हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ स्लम टेस्ट के बारे में। स्लम टेस्ट होता क्या है? स्लम टेस्ट इज अ मीन्स ऑफ एक्सेसिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ फ्रेश कॉन्क्रीट एंड वर्केबिलिटी। ऑल्सो इट इज यूज्ड इनडायरेक्टली एज अ मीन्स ऑफ चेकिंग दैट द करेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर हैज बीन एडेड टू द मिक्स और नॉट। द टेस्ट इज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद BSEN 123502। क्या क्या इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड जो चाहिए हमें कॉन्क्रीट स्लम टेस्ट करने के लिए? एक मोल्ड चाहिए, मोल्ड फॉर स्लम टेस्ट, नॉन पोरस बेस प्लेट, मेजरिंग स्केल, टैंपिंग रॉड। टैंपिंग रॉड का जो डाया है वो 16 मिलीमीटर होना चाहिए और उसका लेंथ 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड शुड बी राउंडेड एट वन एंड। उसका एक एंड जो है जहाँ पे हम लोग टैंपिंग करेंगे वो राउंड होना चाहिए, ठीक है। मोल्ड का जो शेप होगा वो होगा फ्रस्टम ज्योमेट्रिक शेप में, ठीक है। कोन को अगर हम काटते हैं बीच से तो जो नीचे वाला पार्ट आता है ना उसी तरह से वो देखने में लगता है। देखिए फोटो में दिखाया जा रहा है। इस मोल्ड का हाइट होगा 300 मिलीमीटर या कह सकते हो 30 सेंटीमीटर। बॉटम डायमीटर होगा 20 सेंटीमीटर या 200 मिलीमीटर। टॉप डायमीटर होगा 100 मिलीमीटर। प्रोसीड्योर फॉर कॉन्क्रीट स्लम टेस्ट। कॉन्क्रीट स्लम टेस्ट करने का जो प्रोसीड्योर है वो मैं आपको बताऊंगा। नंबर वन, क्लीन द इंटरनल सरफेस ऑफ द मोल्ड एंड अप्लाई ऑयल या ग्रीस, ठीक है। मोल्ड जो है उसके अंदर के साफ को अच्छी तरह साफ कर ले और उस पर ग्रीस या ऑयल अप्लाई करें ताकि जब हम स्लम टेस्ट करें ना तो कॉन्क्रीट कुछ उस पर चिपक के ना रह जाए, फ्रीली वो उठ पाए मोल्ड ऊपर, ठीक है। नंबर टू, प्लेस द मोल्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल नॉन पोरस बेस प्लेट। वो जो मोल्ड है उसे एक प्लेन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखेंगे, ठीक है। नंबर थ्री, फिल द मोल्ड विद द प्रिपेयर कॉन्क्रीट मिक्स इन थ्री इक्वल लेयर्स, ठीक है। थ्री इक्वल लेयर्स और वो मतलब एक एक लेयर 1/3 होगा उस टोटल मोल्ड का, ठीक है। नंबर फोर, टैम्प ईच लेयर विद 25 स्ट्रोक्स ऑफ द राउंडेड एंड ऑफ द टैम्पिंग रॉड इन यूनिफॉर्म मैनर। याद रखिएगा ईच लेयर को स्ट्रोक कीजिएगा 25 बार एक एक लेयर, और जितनी बार आप टैंपिंग कीजिएगा हमेशा ध्यान रखिए आपका जो टैंपिंग रॉड है वो एकदम बॉटम लेयर तक जाए। उसके बाद नंबर फाइव, रिमूव द एक्सेस कॉन्क्रीट एंड लेवल द सरफेस ऑफ विद अ ट्रॉवल। जब चारों लेयर भर जाएगा तब देखिएगा ऊपर कुछ कंक्रीट ऊपर निकल के रह गया है मोल्ड के सरफेस से ऊपर, उसे हम लोग ट्रॉवल से काट देंगे और मोल्ड के ऊपर वाले डायमीटर उसके लेवल में हम लोग उसको प्लेन कर देंगे, ठीक है। नंबर छह, रेज द मोल्ड फ्रॉम द कॉन्क्रीट इमिडिएटली एंड स्लोली इन वर्टिकल डायरेक्शन। फिर देखिएगा जो मोल्ड है उसके दो साइड दो पकड़ने वाला एक हैंडल बना हुआ है, उससे पकड़ के हम इमिडिएटली धीरे से वर्टिकली मतलब ऊपर की तरफ उसको उठाएंगे। उसके बाद हम लोग उस मोल्ड को
उस जो स्लम टेस्ट किए हैं देखिएगा, वो तो धीरे धीरे नीचे थोड़ा बैठ जाएगा। उसकी बगल में ही हम लोग उस मोल्ड को रखेंगे उल्टे करके, ठीक है? देखिए ड्राइंग में दिखाया जा रहा है कैसे किस तरह से। नंबर 7 पॉइंट, मेजर द स्लम्प एज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द मोल्ड एंड दैट ऑफ द हाइट ऑफ द स्पेसिमेन बीइंग टेस्टेड। जो कॉन्क्रीट हमने टेस्ट किया है और जो मोल्ड बगल में रखा है, इन जो कॉन्क्रीट हमने टेस्ट किया है उसका टॉप और जो मोल्ड है उसका भी टॉप, इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसे बोलते हैं स्लम वैल्यू, जो कि हम जनरली मिलीमीटर में लेते हैं, याद रखिएगा। देखिए पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है, द स्लम मेजर्ड शैल बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर ड्यूरिंग द टेस्ट, ठीक है? रिजल्ट बेसिकली चार तरह से हमें मिल सकता है स्लम्प का। देखिए इस पिक्चर में पहला है ट्रू स्लम्प, दूसरा है जीरो स्लम्प, तीसरा है कोलैप्स्ड स्लम्प, चौथा है शियर स्लम्प। ट्रू स्लम्प किसे कहते हैं? ट्रू स्लम्प इज द ओनली स्लम्प दैट कैन बी मेजर्ड इन द टेस्ट। द मेजरमेंट इज टेकन बिटवीन द टॉप ऑफ द कोन एंड द टॉप ऑफ द कॉन्क्रीट आफ्टर द कोन हैज बीन रिमूव्ड। समझ में आया दोस्तों? ट्रू स्लम्प वही है जो रिजल्ट देगा हम लोग को, जो कॉन्क्रीट है उसका टॉप और मोल्ड का टॉप, इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, वही हमारा ट्रू स्लम्प है। अच्छा जियो स्लम्प किसे बोलते हैं? जियो स्लम्प इज द इंडिकेशन ऑफ वेरी लो वाटर कंटेंट रेशियो विच रिजल्ट इन ड्राई मिक्सेस। दिस टाइप ऑफ कॉन्क्रीट इज जनरली यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। जिसका वाटर सीमेंट रेशियो बहुत कम है, इसी केस में जीरो स्लम्प आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। पानी कम है तो वो ज्यादा बैठेगा नहीं, तो हमें स्लम्प कम मिलेगा, है ना? जो हमारा हाईवे वे है, रोड जो है, जनरली रोड में हम इस स्लम को यूज करते हैं, क्योंकि हाँ दोस्तों ये भी याद रखो, अगर लो स्लम्प है तो इसका मतलब उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। हाँ बोलते हैं ना, वाटर सीमेंट रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट। वाटर सीमेंट रेशियो जितना कम, स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा। चलो नंबर 3 पे आते हैं, कोलैप्स्ड। कोलैप्स्ड स्लम, दिस इज एन इंडिकेशन दैट द वाटर सीमेंट रेशियो इज टू हाई। जीरो स्लम के जस्ट उल्टा, इसका इसमें अगर वाटर सीमेंट रेशियो का ज्यादा हो जाता है तो जो कॉन्क्रीट है स्लम टेस्ट करने के दौरान क्या होगा, एकदम धराक से नीचे गिर जाएगा। नंबर 4, शियर स्लम। द शियर स्लम इंडिकेट्स दैट द रिजल्ट इज इनकम्प्लीट एंड कॉन्क्रीट टू बी रीटेस्टेड। देखिए ड्राइंग से पता चल रहा है कि शियर स्लम जो है उसे पता नहीं चल पा रहा कि हम स्लम का वैल्यू कहाँ से लो, इसलिए ऐसे कंडीशन में हम लोग स्लम टेस्ट री करते हैं, फिर से रीटेस्ट री स्लम टेस्ट करते हैं, ठीक है? ये 4 टाइप का स्लम्प हो गया। मैं आप लोग को बताता हूँ अब एडवांटेज ऑफ स्लम्प कोन टेस्ट। नंबर 1, इट इज हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग द डिफरेंस इन वाटर कंटेंट ऑफ डिफरेंट बैचेस ऑफ कॉन्क्रीट ऑफ द सेम आइडेंटिकल मिक्स। वाटर सीमेंट रेशियो बैच टू बैच वेरी करता है, उसे डिटेक्ट करने के लिए स्लम टेस्ट बहुत ही फायदेमंद टेस्ट है। द स्लम्प नंबर 2, द स्लम्प कोन अपरेटस इज चीप, कन्वीनियंट टू हैंडल एंड मोर ओवर इट इज पोर्टेबल। इस अपरेटस को हम लोग कहीं से भी कहीं हम लोग ले आ सकते हैं आराम से, हैंडल करना भी बहुत ईजी है और इसका प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है। इंडियन करेंसी में लगभग 1500 आते हैं इस अपरेटस की प्राइस, ठीक है? कुछ लिमिटेशन बताता हूँ आपको स्लम टेस्ट का। नंबर 1, इट इज नॉट सुटेबल फॉर कॉन्क्रीट इन विच मैक्सिमम
साइज ऑफ द एग्रीगेट एक्सीड्स 40 मिलीमीटर, अगर कोर्स एग्रीगेट का साइज 40 मिलीमीटर एक्सीड कर जाता है बहुत सारे, तो ये क्लम टेस्ट सुटेबल नहीं है उसके लिए, ठीक है। नंबर टू, इट इज नॉट सुटेबल फॉर ड्राई मिक्सेस, ठीक है, ड्राई मिक्स के लिए ये सुटेबल नहीं है। नंबर थ्री, डिफरेंट शेप्स ऑफ स्लम मे ऑकर एंड इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड विच इज द करेक्ट वैल्यू, है ना। जब स्लम टेस्ट करेंगे हम तो स्लम का जो शेप आता है वो डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है, इरेगुलर टाइप का। तो अगर हम लोग सही तरीके से स्लम का टेस्ट ना लिए उस वक्त, तो वैल्यू में बहुत हेर फेर हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा लिमिटेशन, मैं यहीं पे वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलो।